आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलर ट्रीटेड ड्राई डैमेज और रफ बालों की डीप कंडीशनिंग का बहुत ही इफेक्टिव मेथड. कीप वॉचिंग. बिलीव इन योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. आज आप देख रहे हैं ये जो मेरा थोड़ा सा चेंज, हल्का सा मैंने अपनी थोड़ी सी जो फर्स्ट लेयर है थोड़ा सा उसको शॉर्ट रखा है, थोड़ी सी मोमेंट के लिए, हल्के से चेंज के लिए, और थोड़ा सा ट्रिम करवाया बालों को. बेसिकली कलर मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मैंने हल्की सी जो लो लाइट्स मेरी स्ट्रीकिंग जिसे आप कहते हैं वो काफ़ी नीचे तक आ गई थी, तो उसको मैंने ऊपर से क्राउन से थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करने के लिए टचअप किया है, समझें बहुत ही कम. तो लेकिन क्योंकि बालों का मेरा पिगमेंट अंदर का ऑरेंज है, तो वो लो लाइट्स में ऑरेंज कलर ज़ाहिर उसका वो आता है, शेड आता है, तो वो मिलके मेरे नेचुरल जो ब्राउन कलर में यूज़ करती हूँ उसके साथ वो कैरमल शेड दे रहा है. तो बेसिकली इस तरह से हुआ है, तो हल्का सा चेंज आया है क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बालों को ज़्यादा डैमेज करूँ या ज़्यादा नुकसान पहुँचाऊँ. लेकिन आप बालों को चाहे थोड़ा सा भी केमिकल लगाएं, ज़्यादा लगाएं, डाई लगाएं, स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करें, ब्लीच लगाएं, कुछ भी लगाएं, आपके बाल डैमेज ज़रूर होंगे, ये मैं बता दूं. तो लेकिन उस डैमेज से बचने के लिए उसकी बहुत स्पेशल और प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है बालों को. और अब आप देख रहे हैं ये बाल मेरे ड्राई आपको नहीं लगेंगे क्योंकि बाल काफ़ी सॉफ्ट हैं और बालों में उस तरह से आपको ये देख रहे हैं. इस तरह से बाल जो है मेरे तो ड्राई इसलिए नहीं हुए कि मैं इसकी प्रॉपर केयर करती हूँ. और आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं, यानी डाई लगाते हैं, आप बालों को कलर करते हैं, कोई सा भी केमिकल यूज़ करते हैं, कोई स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हीट देते हैं बालों को और बालों को जो नुकसान पहुँचता है, ड्राई हो जाते हैं बाल, उनसे कैसे बचा जाए, तो वो सारे आज मैं आपको तरीके बताऊँगी. एक तो बेसिकली जो वीडियो में आप मेजर जो एक चीज़ देखेंगे वो है डीप कंडीशनिंग का मेथड, जिसके बाद आपके बाल बहुत सॉफ्ट रहेंगे, आपके वो ड्राइनेस रफनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. लेकिन उसके साथ साथ जब कभी आपके बालों को, जैसे मैं डाई लगाती हूँ या कोई भी ट्रीटमेंट होती है या कोई भी केमिकल बालों को लगता है, तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा उसको ऑयल ज़रूर लगाती हूँ. और कौन सा ऑयल लगाती हूँ, कौन से चार ऑयल्स की कॉम्बिनेशन के साथ मैं अपना ऑयल बनाती हूँ, तो वो उस पर वीडियो मौजूद है, आपको इस वक्त नज़र भी आ रही होगी, आप देखना चाहें तो वो देख लीजिएगा. इसके अलावा जब मैं हफ्ते में दो दफ़ा शैम्पू करती हूँ, तो एक दफ़ा तो मैं ऑयल लगाती हूँ, दूसरी दफ़ा जब मैं शैम्पू करती हूँ उससे पहले मैं अपना हेयर मास्क ज़रूर लगाती हूँ, जो ग्लॉसी शाइन के लिए मैं आपके साथ शेयर किया था, ये वीडियो आपको नज़र आ रही है, तो वो भी अगर आप देखना चाहें किस तरह से बनेगा तो आप ईज़िली देख सकते हैं. और जब मैं ऑयल लगाती हूँ या हेयर मास्क लगाती हूँ उसके बाद जब मैं शैम्पू करती हूँ, तो शैम्पू के बाद जो कंडीशनिंग का मेथड है वो मैं डीप कंडीशनिंग करती हूँ बालों को, जब भी डाई लगाऊँ या कुछ, जब रफ या थोड़े से ड्राई हो जाएं बाल, तो उस डीप कंडीशनिंग के बाद बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, बालों में फॉल काफ़ी हद तक वापस आ जाता है और इतने मुझे वो जो एक ड्राइनेस होती है ना वो फील नहीं होती. तो ये आप सबको करना है अगर बालों को आप बचाना चाहते हैं अपने सारे केमिकल्स के नुकसान से. तो देखिए कि वो डीप कंडीशनिंग किस तरह से होगी, उसके बाद फिर मैं आपको और भी चंद बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी. सबसे पहले हमें कंडीशनर बनाना पड़ेगा. जो भी कंडीशनर आप यूज़ करते हैं उसे प्याले में किसी बॉल में अच्छी क्वांटिटी में ले लीजिएगा, क्योंकि डीप कंडीशनिंग मेथड है तो इसके लिए हमें ठीक ठाक कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी. आप देख लीजिए हाफ प्याले के करीब है कंडीशनर, जिसमें मैं अपना मैजिक प्लांट एलोवेरा ऐड करूँगी. एलोवेरा का जेल भी हम उतना ही ऐड करेंगे कि जितना कंडीशनर हमने इसमें डाला है. और एलोवेरा जेल को निकालने का ये तरीका मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था. इस तरह से आप सारा एलोवेरा का जेल निकाल लीजिए. और अगर आपको फ्रेश एलोवेरा ना मिले तो आप एलोवेरा का जो जेल ट्यूब में मिलता है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर फ्रेश मिलता है तो उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आपको. अच्छा, इसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट डलेगा इसमें, कोकोनट मिल्क. कोकोनट मिल्क इस तरह से कैन में भी मिलता है. आप अगर ये कैन वाला यूज़ करें तो एक टेबल स्पून भर के डालना है, लेकिन अगर आपके पास कैन वाला ना हो तो कोकोनट मिल्क का पाउडर आता है इस तरह से, उसका आप एक टी स्पून डाल दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. और आपको अगर लगता है कि ये थोड़ा सा थिक लग रहा है आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, एक टेबल स्पून के करीब. ये कंडीशनर आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से बनाइएगा, और अगर आपके बाल ब्लीच्ड हैं तो उसमें एक
टीस्पून की बजाय 2 टीस्पून कोकोनट पाउडर डालेगा या 1 टेबलस्पून की बजाय 2 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क डालिएगा। और अब मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से पहले ऑयल लगाया था, उसके बाद मैंने शैम्पू कर लिया है बालों को और मैं इसको टैंगल फ्री कर रही हूँ, यानी अगर उलझे हुए हैं तो ज़रा ज़रा इसको हाथों से इस तरह से फिंगर से खोल लीजिए और उनके एंड्स पर इस तरह से कंघी कर लीजिए ताकि आपके बाल उलझे हुए ना हों। और अब आपको ये कंडीशनर अपने पूरे बालों में लगाना है, आपको रूट्स को छोड़कर बाकी सारे बालों में लगाना है और स्पेशली एंड्स पर आप लगाइएगा इसे, क्योंकि एंड्स ज़्यादा ड्राई होती हैं और ये एलोवेरा जेल आपके बालों को बहुत ही हाइड्रेटेड रखेगा और इसके जो बालों की अपनी जो मॉइस्चर होता है उसको रिस्टोर करता है। और एलोवेरा जेल एक बहुत अच्छे कंडीशनर का काम देता है और साथ ही मैंने इसमें कोकोनट मिल्क या कोकोनट मिल्क का पाउडर ऐड किया है तो वो आपके बालों को बहुत सॉफ्ट रखेगा, आपके बालों को नरिश करेगा और आपके बालों की जो इलास्टिसिटी होती है जो हमें डाई करने से और स्टाइलिंग टूल्स को यूज़ करने से जो वो चली जाती है बालों की इलास्टिसिटी, उसको बरकरार रखेगा। स्पेशली जो हमारे बाल ड्राई और डल और रफ़ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, उनको वो बहुत नरिश करता है और बहुत फ़ायदा पहुँचाता है और हमारे बाल जो हैं सारे नुकसान से बहुत हद तक बचे रहते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका स्टेप ये है कि इस कंडीशनर को अच्छी तरह से लगाने के बाद आपको किसी मोटे दांतों वाली जो कंघी होती है, कोम्ब होती है, उससे आप अपने एंड्स को इस तरह से बालों से शुरू करें, एंड से कंघी करना और बाल उलझे हुए ना हो इस तरह से आप कंघी करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता और बहुत आराम से करनी है ताकि आपके बाल टूटे ना और बालों में अच्छी तरह से कंडीशनर लग जाए। दोनों तरफ से आप इस तरह से बालों में अपना कंघी कर लीजिए और फिर अपने हाथों से इस तरह से देखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका कि इस तरह से आपके अपने बालों को ऊपर से नीचे तक पूरे कंडीशनर को अच्छी तरह से इसमें ले आना है बालों में ताकि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और फिर आप साथ साथ कंघी भी करते रहें। स्पेशली एंड्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से कंडीशनर को लगाना है ताकि सारे बालों में अच्छी तरह से कंडीशनर लग जाए। अच्छा, अब आप अपने बालों को बांध दीजिए। अब इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं करने जा रही हूँ, तौलियों को गर्म पानी से निचोड़ के अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा और इस गर्म तौलिए को अपने सर पर बालों पर अच्छी तरह से बांध दीजिएगा। सारे बालों को कवर कर लीजिएगा क्योंकि उसके बाद फिर मज़ीद मैं इसे हेयर ड्रायर से थोड़ी सी हीट दूंगी। अच्छा, मेक श्योर कि बालों को आपने कवर किया हुआ है टॉवल से, डायरेक्ट इसे हीट नहीं देनी। और अब आप हेयर ड्रायर की मदद से इस तौलिए पर थोड़ी सी हीट देंगी चारों तरफ से, किसी एक जगह पर बहुत देर तक नहीं रखिएगा और इसको फैलाते रहिएगा ताकि ये पूरे तौलिए को ज़रा और गर्म रखें। ये ज़रा गर्म करना है टॉवल को ताकि ये आपके बाल जो हैं उसकी डीप कंडीशनिंग का मेथड जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हो। अब ये गर्म गर्म है टॉवल, उसको 20 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद जब आप नहाएं तो आप फील करेंगी कि आपके बालों में बहुत अच्छा चेंज आया होगा, आपके जो रफ ड्राई डैमेज जो बाल हैं इस तरह से आपको करने से, हर दफ़ा जब आप नहाएं तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट दें अपने बालों की, डीप कंडीशनिंग करें, तो आपके बाल बहुत हद तक उस डाई और केमिकल उन सब चीज़ों के नुकसान से बचे रहेंगे। और जब आप बाल ड्राई कर लें, आपके बाल जब नहा के निकलें गीले हों या ड्राई करने के बाद, दोनों तरह से आप ये थोड़ा सा एंटी फ्रिज सीरम आता है उसको फ्यू ड्रॉप्स हाथ पे लेकर और उसको पूरे बालों में लगा लीजिएगा, उससे भी आपकी जो फ्रिज है वो कंट्रोल में रहेगी। और ये किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ आप ये परेशान ना हुआ करें कि मैंने आपको ब्रांड नहीं बताया, मैं किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट नहीं करना चाह रही हूँ, मैं ये भी नहीं चाह रही हूँ कि मैं एक खास किस्म के ब्रांड जो है वो बताऊँ, कोई अफोर्ड कर सके कोई ना कर सके, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स एक ही तरह का काम करते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा एंटी फ्रिज सीरम ज़रूर लगा लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाल जो है वो कैसे, मेरे नहाने के बाद जो है वो किस तरह के सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। मैं इसीलिए आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ कि कभी मैं अगर आपको हवाला दूँ कि मैं ये लगाती हूँ तो आपको परेशानी ना हो, आपको ऑलरेडी पता हो कि वो किस तरह से बनेगा। और बालों को ट्रिम करवाना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा सा
हर डेढ़ दो महीने बाद बिल्कुल हल्के से आप उसको ट्रिम करवा लें, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं उसको निकलवा लें, तो उससे आपके बाल बहुत फ्रेश और एक अच्छा वो देंगे, फॉल देंगे आपके बाल, ड्राई और रफ़ नहीं लगेंगे। तो मुझे जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट्स के ज़रिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। और साथ साथ अपने बालों को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो जैसे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, पानी पीते रहा करें, फ्लूइड्स लेते रहा करें, जितना पानी पियेंगे, प्रॉपर नींद करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और बालों के जो ड्राइनेस है वो भी काफ़ी कम होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और बॉक्स में जो वीडियो नज़र आ रही है इसे भी देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी आपको बहुत अच्छी लगेगी।